भारत में कई अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं और मैं आधुनिक युग की बात नहीं कर रही हूँ। हम हजारों साल पीछे चलते हैं जब नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और शारदा पीठ जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। नालंदा प्राचीन भारत का ज्ञान केंद्र और शारदा पीठ आज के पीओके में स्थित वैदिक और तांत्रिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। आज तीतवाल के लोग, जो इतिहास का अंश हमसे छीन लिया गया है, उसकी कड़वाहट को भुलाकर पूरे देशवासियों को, पूरे भारतवर्ष को एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। बैक टू रिगीपुड़ा टैक्सी स्टैंड, जहां से मैंने पिछले वीडियो में किरण की गाड़ी भी पकड़ी थी, अब मैं यहां से एक दूसरे बॉर्डर विलेज की गाड़ी पकड़ रही हूँ। एंड जस्ट टू रिमाइंड दिस इज़ व्हाट्स एट द बॉर्डर, करंटली एक्सप्लोरिंग कश्मीर बॉर्डर एंड आई एम हियर इन कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट विजिटिंग अनदर बॉर्डर विलेज। ये रिगीपुड़ा टैक्सी स्टैंड के पास एक जेएनके बैंक है 400-500 मीटर की दूरी पर। आई थिंक दी ओनली एटीएम अराउंड दिस टैक्सी स्टैंड, तो मैं कुछ कैश निकालने आई थी। दूर दराज एरियाज में जाके कैश का प्रॉब्लम हो जाए फिर बड़ा दिक्कत होता है, कई बार नेटवर्क नहीं होता तो UPI से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक आउट सम कैश बिफोर यू गो टू दूर दराज के ऑफ बीट इलाके। अभी मैं चौकीबल पहुंची और आगे 1.5 घंटे का रास्ता और बचा है बिफोर आई रीच तांगधार। बीच में आएगा साधना पास। तांगधार के लिए स्पेशली परमिशन बनाई है DC ऑफिस से, और इसमें बस आधार कार्ड वगैरह, फोटो वगैरह और एक एप्लीकेशन होती है, वो सबमिट करनी थी। मुझे तो हाथों हाथ मिल गई, तो ये उधर दिखानी होगी। बाकी स्टे का अरेंजमेंट उधर ही जाके बता पाऊंगी। अभी हम लोग तांगधार की मार्केट पहुंचे हैं। जो इनकी भाई है उन्होंने क्या बोला, उनके साथ लाओ, क्या उधर डाक बंगले रुकेंगे? अच्छा अच्छा, कुछ नहीं जला हुआ है, सब उनको बोला डराएंगे। हेलो, ये डाक बंगले ठीक है? वालेकुम सलाम, हमें नहीं अच्छा लग रहा है। यहाँ से तीतवाल पहुँचने में कितना समय लगेगा? आधा घंटा। 15 किलोमीटर, 1 घंटा रखो आने जाने। तीतवाल में देखने को है कुछ? क्या बहुत कुछ है? चलो आप भी चलना फिर हमारे साथ। तीतवाल का ब्रिज देखने का शौक है मुझे। अभी खोटपारा नाम के गांव में एंटर करा है और वहीं पे स्टे करने वाली हूँ। ये खोटपारा बी में रहते हैं तो हम इन्हीं के साथ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट उनके घर तक पहुँच गए। चलिए और सूर्य, इतने दिन मौज के बाद बैक टू बैक पैकर लाइफ। आई थिंक पिछवाड़े हम लोग के 3-3 इंच कम हो गए होंगे। यहाँ पे पिछवाड़े घिस रहे हैं और लोग रीले बना रहे हैं, रीले बना के वायरल हो जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे। Another day here in Tangdar. रात को बिल्कुल थक के हार के एकदम खाना खा के सो गए थे। नाश्ते के बाद छोटा सा एक काम करना है बिफोर आई हेड आउट टू टीटवाल। ये सॉर्ट करके वो सॉर्ट करना है फिर आगे चलेंगे। ये है हमारी प्यारी सी होस्ट इन तांगधार, लिटरली ये वाला हमारा स्टे होस्टेड है। तीतवाल के लिए निकलने से पहले तांगधार के थोड़े नज़ारे दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है। जिस फैमिली ने होस्ट करा है उसके कुछ रिश्तेदार वगैरह, उनके सब पूरा फैमिली ऐसे हाइक पे निकले हम लोग। शाजिया कहाँ ले आई हमें? ये देखो, ऐसा लग रहा है केरला वाले टी प्लांटेशन में खड़े हुए हैं सब। सो ओवरऑल तांगधार, तीतवाल, यू नो, कैन बी डन इन अबाउट 2 to 1.5, स्लो करना है तो 3 to 4 days भी हो सकता है। तो फ्रेश लग रही है एकदम ग्रीन। तो ये थी तहसील जहाँ मेरा जो होस्टेड स्टे है, वहाँ से बस 500 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे एक छोटी सी दुकान से फॉर्म लिया परमिशन का, आधार कार्ड की कॉपी सबमिट करी उसके साथ, उस बिल्डिंग में अंदर घुसी और एक साइन लिया ऑफिसर से। अब जाना है पुलिस स्टेशन, वहाँ से SHO का स्टैंप साइन लगेगा एंड देन ऑफ टू टीतवाल। ये दुकान से ली थी हमने फॉर्म और ये इस बिल्डिंग के अंदर गए थे। पुलिस स्टेशन में साइन हो गया, अब SDM के पास फिर वापस जाना है सील लगवाने। ऑल सॉर्टेड विद द परमिशंस, ये 4 फोटोकॉपीज की करा ली थी। पहले चक्कर लगाया तहसील का, फिर गए पुलिस स्टेशन, फिर वापस तहसील आए टू गेट द फाइनल स्टैम्प एंड सील। बट अज्यूम दैट इस काम में 1 घंटा लगेगा। वही हुआ, अभी
बज रहे हैं 12. I was trying to find a sharing taxi to Tetwal. Becoming very impossible क्योंकि वो लोग टाइम लगा रहे थे सवारी फुल होने में और 60 रुपये एक आदमी का लगता है तीतवाल ले जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी में. देयर इज अनदर ऑप्शन टू रिजर्व अ फुल टैक्सी जो अभी करा है और इसको मैं तीतवाल लेकर जा रही हूँ फॉर लाइक हाफ अ डे और शाम को वापस आना है. ये परमिशन में डेट मैंने शाम तक की ही डाली है. रास्ते तो अभी ठीक लग रहे हैं भैया. तीतवाल तक के रास्ते कैसे हैं? सीधा एकदम अच्छे ठीक है. चलो रोड्स अच्छी हैं वहाँ तक की. अब तक जितने भी एरियाज मैंने कवर करे हैं जैसे गुरेज हो गया, मच्छल हो गया, केरन हो गया, तो इन सब में से जिनकी जो टाउन वाइज डेवलपमेंट है वो तांगधार में सबसे बेटर है. और यहाँ पे हर सारी मार्केट है, मतलब सारी तरह की शॉप्स हैं और सब कुछ, मतलब जो भी चाहिए वो जैसे बड़े टाउन में फैसिलिटीज़ रहती है वो यहाँ पे सब कुछ है. टैक्सी की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी अच्छी है. इतनी परमिशन लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि टूरिस्ट को आगे यहाँ से जाने दिया जाएगा तीतवाल की तरफ, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एरिया है. आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एरिया जो अभी मैं घुसने वाली हूँ. और रिस्ट्रिक्टेड क्यों? क्योंकि आज की तारीख में अलग हुए दो मुल्कों को और एक मुल्क से छीने गए हिस्से को अलग करने और मिलाने का काम करने वाला एक ब्रिज यहाँ मौजूद है. ये है लास्ट बॉर्डर LOC पर. इस साइड पर है इंडिया, इस साइड पर है POK. ये जो गांव मेरे पीछे नजर आ रहा है इसका नाम है सिमारी गांव. POK वाली साइड को ये लोग पार सिमारी गांव बोलते हैं. उनके लिए नीलम रिवर है आखिरी गांव, आखिरी एकदम बॉर्डर. इसके आगे रोड भी नहीं है. तीतवाल से भी थोड़ा आगे आप पड़ता है. बटवारे से पहले यहाँ जंक्शन होता था, बहुत बड़ा ये कस्बा था. यहाँ तीतवाल तहसील थी और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद था. यहाँ गंजान आबादी थी हिंदू लोगों की, सिख थे, खत्री थे, मुसलमान थे. हमने ये सुना था पहले यहाँ मंदिर था, गुरुद्वारा था, ये हमने अपने माँ बाप से सुना है. इनके रिश्ते एक जैसे होते थे. हम लोग एक दूसरे की शादियों में जाते थे, एक दूसरे को दावत करते थे. तो पार से गुच्छी का उसका कारोबार होता था, मशरूम गुच्छी. तो मैं हूँ इस टाइम तीतवाल में. फाइनली इतनी सारी परमिशन, इतने सारी चेकिंग और इतने सारे चेक पोस्ट और इतनी सारे लंबे सफ़र के बाद मैं तीतवाल पहुँची हूँ. एंड बियॉन्ड दिस गेट, विलेज में घुसते ही थोड़ा सा आगे जाके एक गेट आ जाता है जिस पर लिखा है मेरा भारत महान, मेरा देश महान. इसके बियॉन्ड इंडिया की जो 5 इम्पॉर्टेंट LOC क्रॉसिंग है, दी ओनली 5 LOC क्रॉसिंग्स, इसके बियॉन्ड वो एक क्रॉसिंग पड़ती है तीतवाल ब्रिज पर. तो तीतवाल का ब्रिज ओरिजिनली बनाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा और 1948 में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था उस साइड से. उसके बाद फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करा गया इंडिया और पाकिस्तान के द्वारा जॉइंटली, और फिर एक अर्थक्वेक आया था 2005 में तो ये फिर से डिस्ट्रॉय हो गया एंड उसके बाद फिर से इसको रिकन्स्ट्रक्ट करा गया. ये कहानी है एक ऐसे ब्रिज की जिसने जोड़ा था दो देशों को, जब वो पहले एक थे और उसके बाद जब वो अलग हुए तब भी. लेकिन जोड़ते जोड़ते एक समय ऐसा आया जब ये ब्रिज को बंद ही कर दिया गया. ब्रिज रगा वहाँ सुगत पुल होता था पाकिस्तान हिंदुस्तान को मिलाने के लिए. लोग आते जाते थे, बस उस दिन लोगों की मुलाकात भी हो जाती थी. मैं तो खुद वहाँ इंचार्ज भी रहा हूँ और मैं गया भी हूँ इस ब्रिज से. 2018 तक तो आना जाना था प्रॉपर, मतलब वेरिफिकेशन होता था, पासपोर्ट की तरह एक परमिट बनता था. और माहौल बड़ा बदल गया था, चेंज हो गया था बिल्कुल. शेलिंग, ये सीज फायर वायलेशन, ये हम भूल गए थे. तीतवाल ब्रिज से हमने क्रॉस किया, फिर वो हमारे रिश्तेदार लेने के लिए आए थे, वो लेके गए, 1.5 महीने उनके साथ रहे हुए. फिर वायलेशन हुआ, सीज फायर, ये वो. तो अभी बंद है ये ब्रिज, ना वो आ सकते हैं ना हम जा सकते हैं, पूरे बॉर्डर बंद है. आपका कोई इधर रहता है? पाकिस्तान में. हाँ है, हमारे रिश्तेदार हैं. मिले आपको भी? हाँ हमें मिले, इधर आए. इधर आए थे? जी जी. जब ब्रिज खुला था तब? तब. उसके बाद नहीं? तो उसके बाद नहीं. इधर 1.5 महीने रह कर गए. उनका कैसा लाइफ है वहाँ पे? हमसे बेहतर नहीं है. 2014 में. अच्छा, ये पूरा सेट आपने वहाँ से मंगवाया था? स्पेशल चीज़ दिखा देता. गार्डन टेबल चेयर का सेट आप देख रहे हो, ये पाकिस्तान से मंगवाया गया है. ऐसा क्यों, आपने उधर से क्यों मंगवाया? मैम यहाँ पे ये मिलती नहीं, इनकी ये मोल्डिंग वगैरह है ना, आप देख लें टोटली डिफरेंट है ये. अच्छा. बहुत चेक किया हमने पूरे कश्मीर में, बन नहीं पाई. तो यही एक चीज़ वहाँ अच्छी लगी थी, ये मिले गया. ये अच्छी बात है कि आपने. कौन से साल में आई थी? 2014 में. चलो 2014. अभी तो लाइफ है इसकी बहुत. जी बहुत बड़ी लाइफ है इसकी. आपके बच्चों के बच्चे भी इंजॉय करेंगे. एचआर जी से मैंने पूछा था कि आपके घर में कुछ पाकिस्तानी है तो हमें दिखाएं, तो उन्होंने हमें कुर्सी टेबल से लेकर डिनर सेट तक दिखा दिया कि ये उनके पापा लाए थे 92 में.
पाकिस्तान से? सॉरी 85 में ऐसी ये जो रेमिनेंट है बाकी बचे हुए सेपरेशन के उनके घर पे है। थैंक यू हमें दिखाने के लिए। 47 से पहले जब इंडिया और पाकिस्तान एक था तो ये शारदा पीठ जो है ये यहाँ से 56 किलोमीटर दूर अठ मकाम की तरफ पीओके में है। वो ये अशोका के टाइम का मंदिर है। हमारा ये जो शारदा पीठ वहाँ यूनिवर्सिटी भी हुआ करती थी, शारदा माई का मंदिर था। लोग जो हमारे हिंदू भाई हैं बाहर से आते थे, हिंदुस्तान से पंडित भाई आते थे। यहाँ टीटवाल में भी एक प्रॉपर मंदिर था, एक धर्मशाला था और एक गुरुद्वारा साहब थे, तो रात को यहाँ पे रुकते थे। फिर सितंबर के महीने में यहाँ से छड़ी मुबारक जो है निकलती थी हमारे शारदा पीठ की तरफ, मेरे जो क्रॉस करके इसी रोड को पहुँच के पूजा होती थी रात वहाँ निकाल के, तो फिर यात्री लोग वापस आते थे टीटवाल में। रात को यहाँ पे रुकते थे तो सुबह फिर यहाँ से वापस अपने घरों की तरफ चलते थे। शारदा मंदिर भी 47 में बर्बाद हुआ जब जंग हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान। शारदा मंदिर उधर रह गया, उसकी जो बेस कैंप यहाँ से यात्रा शुरू होती थी वो उधर जला दिया, पाकिस्तान वालों ने जला दिया। तो जब कबायली रेड हुआ 47 में 48 में, तो कबायली लोग जब पीओके से आए उन्होंने इस पूरे गांव को जला दिया। 47 से पहले इस टीट वाल को जलाया गया पाकिस्तान वालों ने, उन्होंने जलाया इसको, लूटा, यहाँ बाजार था उसको लूटा। यहाँ हम लोग गांव छोड़कर भागे वापसी, हम 1956 में फिर हम यहाँ आबाद हुए। तो फिर आस्ता आस्ता फिर आके यहाँ अपने जमीन पर हम काबिज हुए। एज पर हिस्ट्री टीटवाल एक पॉइंट हुआ करता था, टीटवाल गांव एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी शारदा यूनिवर्सिटी और शारदा टेम्पल हुआ करते थे, लेकिन अब वो पार्टीशन के बाद पीओके की साइड पे चले गए हैं। तो यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि वो मंदिर यहाँ पे बनाया जाए, तो उसी को देखने जा रही हूँ। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है शारदा यात्रा टेम्पल करके। August 23, 2022 एज ऑफ नाउ अपडेट ये है कि टेम्पल 70% कम्प्लीट है, 30% बचा है। बेसिकली हमारी जो है शारदा यात्रा टेंपल कमेटी है टीटवाल में, तो इसका मैं एक मेंबर हूँ। हमारे चेयरमैन जो है रविंद्र पंडता जी हैं, श्रीनगर से बेसिकली अभी जम्मू गए हैं वो हमारे चेयरमैन हैं। हम तीन मुस्लिम भाई हैं, एक सिख भाई हैं और पांच पंडित हैं। हमारी 8 आदमी की कमेटी है। बस कंस्ट्रक्शन का काम जो है मेरे जिम्मे में आ रहा है। द्रक्षा अंद्राबी जी जो हैं वक्फ बोर्ड की चेयरमैन, तो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन जो इसका 2 दिसंबर को रखा था, तब से हमने इसका काम शुरू किया। श्रृंगेरी मठ से ये तो ऑर्डर आ गया, एक मॉडल ये शारदा पुराना पीठ का एक डिज़ाइन तो दिया था फोटो, वैसे ही मैंने एक नया मॉडल बनाया उसी तरह का। सागर जी आप हिस्ट्री का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट बना रहे हो। मेरे जीवन में हिस्टोरिकल इवेंट है, कि एलओसी पर शारदा टेम्पल बना रहे हो। तो इन्होंने मुझे डिजाइन भी दिखाया अभी। कभी सीमा के उस पार जाने का मौका मिला तो मैं देखूंगी कि वहाँ वाला कैसा है। फिर बात चलती रही, 70 साल गुजर गए, जमीन तो हमारे पास अमानत थी, संभाल के रखी थी, हमारे पंडित भाइयों की जमीन थी। तो रविंद्र पंडता जी आए, मोंगा जी आए, तो हमारी कमेटी है जिसमें मेन रोल जो है रिटायर्ड कैप्टन अलियास इफ्तार साहब, उन्होंने उनको इनवाइट करके लाया यहाँ पे, वो पूजा के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा हम एक मंदिर बनाते हैं, हम फिर से एक इंसानियत का रिश्ता, मजहब सब छोड़ दो, हमारा कोई मजहब नहीं है, हमारा एक ही मजहब है वो है इंसानियत। ताकि शाम को गुरुद्वारे में मंदिर में और मस्जिद में तीनों मजहब के लोग अपने अपने इबादत करके और इकट्ठे यहाँ पे बैठें तो एक मज़ा आएगा। और पूरे वर्ल्ड को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई हम हिंदुस्तानी ऐसे हैं। टीटवाल टंगडार की तरफ से एक मैसेज पूरे वर्ल्ड को हम देना चाहते हैं, हमारी कमेटी वो लोग यहीं के रहने वाले हैं। अब जो सिख भाई हैं उनका जो गाँव है यहाँ से कुछ 2-2.5 किलोमीटर दूर है, तरबोनी नाम है उसका। जो पंडित भाई हैं वो भी तो यहीं से बदकिस्मती से वो यहाँ से शिफ्ट कर गए, तो मंदिर है उनका, मंदिर था यहाँ पे, जमीन उनकी है। अभी भी हमारे जो खत्री भाई हैं आधा टीटवाल तो उनका है। टीटवाल के लोग चाहते हैं कि हम अपने महान इतिहास को याद रखें, उसे संजो के रखें। यहाँ के लोगों ने उस दौर में उन दिनों को देखा है जब यहाँ पे ज्ञान की गंगा बहा करती थी, इसीलिए वर्तमान स्थिति में भी वह शिक्षा और शांति का संदेश पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हम सब भारतीय एक बार फिर से अपनी विरासतों पर गर्व महसूस कर सके। हमारी तो यहाँ आर्मी जो थी हिंदुस्तान की
ये हमारी हर पहलू पर हमें मदद करती है। इन्होंने हमें किसी मुश्किल में पढ़ने नहीं दिया, हमारे शाना बाशाना ये रहे। किसी को तकलीफ होती थी ये अपने अस्पताल से हमारी ट्रीटमेंट कराते थे, अपने अस्पताल से हमें दवाइयाँ देते थे। तो हमने बॉर्डर के लोगों ने अगर ज़िंदगी गुजारी है तो इन्हीं की वजह से। जब से सीज फायर हुआ है तब से बिल्कुल शांति है मैम, लाइफ बदल गई है हमारी। हर घर में देखें बैंकर बना है, हमारे स्कूल बंद थे, बाजार बंद थे। देखिए एम्प्लाई जो है उसकी सैलरी तो फर्स्ट को आ जाती है उसके अकाउंट में, बट मजदूर लोग जो थे जो दिन में काम करके शाम को खाना खाने वाले थे वो भूखे सोते थे शेलिंग में। रात के 2:30 बजे एक बच्चा 6 महीने का सोया है, एक बम गिरेगा टीट वाले में तो आप कैसा फील करेंगे? काफ़ी लोग बीमार हो गए, 8 पेशेंट हो गए आज की डेट में, तो बड़ी बर्बादी हुई, घर जल गए, लोग मर गए। इधर भी हो, इधर हो या उधर हो, बर्बादी दोनों तरफ हुई, बेरोजगारी हुई। तो जब से सीज फायर हुआ है तो लग रहा है कि एक नई लाइफ आ गई है, जान आ गई है, स्कूल खुल गए हमारे बच्चों का, वो करियर जो लग रहा था वो अंधेरे में चला गया, डूब गया, अब लग रहा है हल्की सी लाइट, मजदूर मजदूरी कर रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी सरकार है। सरकार काफ़ी हमारे इस एरिए में स्पेशली बॉर्डर एरिए में, और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जितना कार्य और करें तो अच्छी तरक्की करें। आज बड़े खुशहाल हैं हम वो गनौना सपना फिर नहीं देखना चाहते, वो बम, वो शेलिंग, कुछ नहीं उसमें रखा हुआ, ये सब नुकसान हो रहा है दोनों देशों का। यही तो मैसेज देना चाहते हैं ना दोनों मुल्कों से, हम दिल्ली से इस्लामाबाद से रिक्वेस्ट करते हैं कि कॉरिडोर की तरह हमारा ये ब्रिज जो है ये खोला जाए। हमारे पंडित भाई जो हैं 47 से पहले जैसे हमारे पंडित भाई यहाँ आकर रात को रुकते थे, और छड़ी मुबारक जो है आज की डेट में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों मुल्कों से, भाई लोग कहाँ यूरोपियन कहाँ पहुंच गए भाई स्पेस पे, तो वो पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, हम तो अभी ज़मीन से जुड़े हैं। भाई खोल दो रास्ता, कुछ नहीं रखा है इस जंग में, इस शेलिंग में, इस नफरतों में कुछ नहीं रखा है। प्यार दो, प्यार लो, इसको खोल दो हमारे पंडित भाइयों के लिए। वो जाएंगे 47 से पहले जैसे जाया करते थे हमारे शारदा पीठ पे। यहाँ से डीटवाल से यात्रा निकलनी चाहिए शारदा नादरा की तरफ। ये तो हमारे गांव की रौनक है, ये यात्रा नवास है, पीछे लिखा है ये हमारी दुकान है। इस तरह हमारी डेवलपमेंट भी होगी, उससे ज्यादा उनकी डेवलपमेंट होगी। टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा इससे, तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। स्पेशली गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे पंडित भाइयों के लिए ये जो ब्रिज है ये खोला जाए। पाकिस्तानी कुर्सी पे बैठ के इंडिया में चाय पियेंगे आज हम। जब मैंने केरन विजिट करा था तो मैंने सोचा था कि मेरे बॉर्डर टूरिज्म या बॉर्डर ट्रैवल की लिमिट शायद यहाँ पे एपिटोम पर है, खत्म, मतलब इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। आई थिंक उससे बेहतर या उसके बराबर मैं तीतवाल के एक्सपीरियंस को कह सकती हूँ। इट्स गुड दैट आई केम हियर, इट्स गुड दैट आई लिसन टू देयर स्टोरीज। तीतवाल के व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई विल सी यू इन अनदर वन। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।